पर मिले अभी अभी, उड़ चला है परिंदा, नींद से उठा नहीं, लगता है आज है जागा। रंगों को अंधेरों से लूटा है, सपनों को हकीकतों से छीना, कोई नहीं पहचानता, ऐसी जगह पे है घर बनाया। रंगों ने भी खुलकर है मारी पिचकारी, दिए से ज्योत निकलकर आंखों तक है आई। इनसे मिलिए, ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी दया, अपने मम्मी पापा की प्रिंसेस दया। कहते हैं हम बच्चे 95% चीजें देख के और सुन के सीखते हैं, पर दया के पास ना तो देखने की शक्ति थी ना ही सुनने की। पानी सामने हो पर मांगती कैसे, मम्मी भी आसपास हो पर बुलाती कैसे। सब कुछ आसपास था, फिर भी दया और उसकी छोटी छोटी जरूरतों के बीच मीलों का फासला था। क्या चल पाएगी दया यहाँ से आगे, कि उसका सफर सिर्फ यहीं तक का था। D for दया। इनसे मिलिए, ये है वही दया जिससे मिलके जिंदगी से प्यार हो जाए। देखो तो आज उसके पास दोस्त भी है, टीचर्स भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी दुनिया में दया की भी अपनी पहचान है। कैसे निकली होगी दया अपनी जिंदगी के उस कमरे से जहाँ ना तो कोई अंदर से बाहर आ सकता था ना तो बाहर से अंदर। दया को मिली एक ट्रेनिंग, आजाद होने की ट्रेनिंग। और बच्चों की तरह दया को भी उड़ना था, भागना था। '97 में दया को मिला एक नया घर। ये वक्त था जब उसने अंधेरों को अलविदा कहा और अपना बक्सा लेकर वो चल पड़ी रोशनी की ओर। स्कूल की ABCD दया की जिंदगी की सीढ़ी बनती गई और 1, 2, 3, 4 से शुरू हुई उसकी जीत की तैयारी। छोटे छोटे खेल कूद ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और किस्से कहानियों ने उसे बातें करना सिखाया। पर शरारत करना उसे किसी ने नहीं सिखाया। पर जो चीजें सिखाई नहीं जाती उसे भी सीखा है दया ने, जैसे कि प्यार करना, परवाह करना, ईमानदारी, सच्चाई और दोस्ती। इसे ही तो कहते हैं बढ़ना, आगे बढ़ना। ये है दया की खुशियों से जुड़ने की ट्रेनिंग। दया को रंग बहुत पसंद है। क्या फर्क पड़ता है कौन सा रंग है, छूने से तो सारे रंग एक से ही लगते हैं ना। कैसे कोई अनजान इंसान ही हमारा सब कुछ बन जाता है। दोस्त बनाने का और दोस्ती निभाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती दया। पर शायद हालात बदलना जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा मुश्किल है सोच को बदलना। लोग कहते हैं कि दया जैसे बच्चों की चॉइस नहीं होती, पर देखिए दया की फेवरेट ड्रेस है ये पिंक वाली, और दया की हॉबी है कार्टून देखना और बस देखते ही रहना। ये भी तो एक सोच है कि इन जैसे बच्चों की पहुंच सिर्फ उनके दो हाथों तक ही होती है, पर आज दया की पहुंच पूरी दुनिया तक है। दया की जिंदगी में आए बदलाव ने
ऐसी कई सोचों को बदल दिया। गिर के उठना और उठ के उड़ना सिखाया। दया को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मिरेकल्स डू हैपन इन लाइफ, बट ये मिरेकल नहीं, ये तो सेंस है। अ डेफ ब्लाइंड चाइल्ड इज एक्चुअली लॉक्ड इन अ कोकून। अनलेस एंड अंटिल द चाइल्ड इज अनलॉक्ड फ्रॉम दैट कोकून, एंड दैट अनलॉकिंग इज डन बाय माय कलीग्स इन सेंस इंटरनेशनल इंडिया एंड आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर स्प्रेड ओवर about 21 states in the country, and they're almost reaching out to 45,000 deafblind children. Every child, irrespective of being a disabled or normal or non-disabled, whatever you say, it is their right to be in the school, and that's what we work for, we advocate for now, that every child of school going age should be at school. Ek gate ke us paar jahan chunautiyan rehti hai, wahi gate ke is paar sapne rehte hai. ये थी दया की कहानी, जो कह रही है सिर्फ डेफ ब्लाइंड होने से ही तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये तो बस एक चैलेंज है जिसे और चैलेंजेस की तरह हम पार कर सकते हैं, सही ट्रेनिंग और नॉलेज के जरिए। आज दया का सपना है टीचर बनने का, और आने वाली कई सारी दया को अपनी तरह बनाने का। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, आप डेफ ब्लाइंडनेस को किस तरह देखते हैं? बस मैं आप में से ही किसी एक की सोच हूँ। मैं शहर का ट्रैफिक हूँ, भीड़ हूँ, वो लोग हूँ जो दया को दूर से देखते तो है पर हाथ बढ़ाना भूल जाते हैं। पर आज आप हाथ बढ़ाएंगे हमारे जरिए। दया की पसंद है एबिलिटी, और आपकी डी फॉर दया।